काम नहीं हुआ है। नहीं तो गलत बोल रहा है, कोई चीज का कमी नहीं है। रोड बनी गया, टंकी बनी गया, पार्क बनी गया, कोई चीज का कमी नहीं है। बच गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। तारीखों का ऐलान हो चुका है, 28 दिसंबर को पटना नगर निगम में वोटिंग है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि समय काफी कम है। आज 20 तारीख है, ऐसे में समय काफी कम है तमाम प्रत्याशियों के लिए। प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी योजनाओं को बता रहे हैं, किए कामों को बता रहे हैं और जीतेंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे। अपने चुनाव चिन्ह को बता रहे हैं, कितने नंबर पे ईवीएम में उनके चुनाव चिन्ह है। एक कंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जुड़ रहे हैं और जुड़कर अपनी बातों को बता रहे हैं। इसी बीच अभी हम आप पहुंचे वार्ड नंबर 61 में और यहाँ की तमाम जनता, वार्ड 61 उषा देवी की तमाम समर्थक जनता के बीच जा रहे हैं नुक्कड़ सभा लेकर। और यहाँ कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं, कई लोग हैं जो जनता के बीच जाएंगे और उनके जो किए काम हैं, उषा देवी के किए जो काम हैं, रूप नारायण मेहता के जो किए काम हैं, उन कामों को लेकर जनता के बीच रखने जा रहे हैं। क्योंकि वार्ड 61 किस तरह से विकास किया है, वार्ड 61 में वो कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, उन तमाम योजनाओं को वार्ड 61 की जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये महिलाएं। ये वो ही महिला, साथ में साथ उषा देवी भी हैं साथ में, यहाँ की पार्षद भी साथ में हैं और लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रही हैं कि उन्हें कलम दवा छाप जो ईवीएम के एक नंबर पे है उन पे वो दवाएं और इस बार वार्ड 61 को एक मजबूत वार्ड बनाए और रूप नारायण मेहता के हाथों को मजबूत करें। ऐसा करते हुए वो तमाम लोगों से मिल रही, कुछ लोगों से भी बात कराएंगे और यहाँ के जो पार्षद महोदया हैं उषा देवी, हम उनसे भी बात कराएंगे क्योंकि निगम के चुनाव हैं, काफ़ी कम समय बचे हैं। और जिस तरह से मैंने भी ग्राउंड में खड़ा होकर बाट को देखा है, वो तमाम योजनाएं जो जो बाट को होनी चाहिए, चाहे वो बैंक की व्यवस्था हो, पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था हो या फिर कच्ची गली नली योजना की व्यवस्था हो, नल जल योजना की व्यवस्था हो, वो तमाम योजनाओं को वार्ड 61 में रूप नारायण मेहता और पार्षद उषा देवी ने लाने का काम किया है। हम बात करेंगे यहाँ की कुछ महिलाओं से और महिलाओं से पूछेंगे कि किस तरह से वो काम कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं पहले पार्षद महोदया से। पार्षद महोदया जी, जा रही हैं जनता के बीच, कैसा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है आपको? अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, फिर आगे विकास करेंगे। विकास होगा, वार्ड 61 में काम हुआ है? हाँ, बहुत काम हुआ है। जनता का चल है, खुश है, बचल खुचल है ना सर, जो फिना आगे विकास आगे निकलेगा। हाँ निकले, वार्ड 61 बनेगा। हाँ बने, रूपा जी के हाथों को मजबूत करेंगे। हाँ एकदम मजबूत है सगर से। क्या कहती हैं वार्ड 61 में क्या काम हुआ है? हाँ बहुत काम हुआ है। लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। नहीं तो गलत बोल रहा है, कोई चीज का कमी नहीं है। रोड बनी गया, टंकी बनी गया, पार्क बनी गया, कोई चीज का कमी नहीं है। पार्क है। रूपा जी मिलते हैं? हाँ सब मिलते हैं। हाँ काम हुआ है? हाँ हुआ है। वृद्धा पेंशन? हाँ मिलता मिलता है। इस बार एकदम दे देना है वोट? हाँ एकदम दे देना है। जिता देना है? जिता देना है। कितने मतों से जीतेंगी? 5000 वोट से जीतेंगे। 5000 वोट से जीतेंगे। जीतेंगे, जीत गए हैं हम, उम्मीद है पूरा जीतेंगे। रूपा माँ तो भी जीतेंगे। काम हुआ है रूपा माँ? हाँ काम हुआ है रूपा माँ तो। बाची की है, वृद्धा बना? हाँ वृद्धा भी बना है, की रोड भी बना है, कल भी लगा है, राशन में बांट रहे हैं। पार्षद महोदया के जो समर्थक हैं, उनके जो 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 कैफिले हैं, उनके समर्थन में जो जा रहे हैं, वो तमाम लोगों का एक ही कहना है, बही है वार्ड 61 में। वार्ड 61 पूरे 75 वार्डों में सबसे नंबर वन बना है हमारा वार्ड 61। तो इस बार रूप नारायण मेहता और उषा देवी के हाथों को मजबूत करना है। वो तमाम टोली के साथ निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपार जन समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। अगली बार किसी और वार्ड में हम चलेंगे और वहां से जानेंगे कि वहां का क्या है हाल। तक बने रहे शोर भारत न्यूज के साथ और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें हमारे। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।